कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में वार पलटवार शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के बाद झारखंड ने भी प्रदेश में वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से वैक्सीन भेजने की मांग की। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन की कमी है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वैक्सीन का अनुपात बढ़ाया जाए। लड़ने के लिए ये समय नहीं है, समाधान निकालने का। ये बात जरूर है, कोरोना संक्रमण के समय से ही राज्य में संसाधनों की कमी रही है, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, चाहे और किसी चीज़ों की, चाहे जांच की, चाहे पीसीआर टेस्टिंग मशीन की, चाहे कोरोना मशीन की। लेकिन समय बीतता गया, उसमें सुधार हुआ। ये बात सही है कि वैक्सीन की जितनी उपलब्धता हमें ज़रूरत है और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसके अनुपात में ये कम है और इसका अनुपात बढ़ाया जाए। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव के सोन ने बताया कि विशेष अभियान के तहत रोज 1 लाख से अधिक के टीकाकरण का लक्ष्य है। राज्य में अभी 3.5 लाख के करीब डोज मौजूद हैं। केंद्र सरकार से 23 मार्च को 5 लाख वैक्सीन डोज और 3 अप्रैल को भी 5 लाख वैक्सीन डोज उपलब्ध कराने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन का डोज कम होने से अभी इसका पहला डोज देने पर रोक लगा दी गई है। में लगभग 3.5 लाख डोज टीका उपलब्ध है। भारत सरकार से हमने मांग की है कि हमें इसी सप्ताह 5 लाख टीका उपलब्ध कराएं, क्योंकि अगर हमें अभियान को सफल बनाना है तो हमें टीका उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। इसी क्रम में ये भी बताना चाहेंगे कि जो कोवैक्सीन की आपूर्ति है वो हमें अप्रैल के द्वितीय सप्ताह तक हो पाएगी। अभी जिन व्यक्तियों को हम लोगों ने कोवैक्सीन दिया है उनको सेकेंड डोज देने के लिए लगभग हमको 37,000 डोज की आवश्यकता है और वर्तमान में हमारे पास 25,000 डोज हैं। तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि अब यथासंभव किसी को कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज न दें ताकि सेकेंड डोज वालों के लिए कमी न हो। और जो हमारी जानकारी है कि 14 अप्रैल तक के लिए ये वैक्सीन हमारे लिए पर्याप्त होगा और 14 अप्रैल के पहले हमें कोवैक्सीन की खेप। गौरतलब है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार विशेष अभियान चला रही है। वैक्सीन की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार से 10 लाख अतिरिक्त डोज की मांग की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वैक्सीन की आपूर्ति कर दी जाएगी और आम लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन मिल सकेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।